कुछ लोगों का वाकई पैसा निकलने में दिल चलता नहीं है इस पर तो उलमा ने बाकायदा किताबें लिखी चैप्टर्स लिखे कि आपको अपने दिल को इसका आदि बनाना पड़ेगा अगर आपके दिल से पैसा नहीं निकल रहा तो आप समझ लें आप बीमार हो गए अब उसका तरीका यह लिखा कि बहुत थोड़े पैसों से शुरू करें जक़ात तो खैर पूरी देनी पड़ेगी लेकिन पूरा साल यानी अगर आप पाँच रुपए रोज के देना शुरू कर दें फिर इसको दस रुपए कर दें फिर इसको पचास रुपये कर दें फिर सौ करें फिर पांच सौ करें फिर हज़ार करें और खास तौर पर आप जो है वो आ, सखावत के फजाइल पढ़ें और इस यकीन के साथ पढ़ें कि नबी पाक अलीस्म ने कसम उठाकर फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता तो ये कन्फर्म है जो खर्च करते हैं उसका माल बढ़ रहा है तो फिर आप मुखल क्यों कर रहे हैं आप खर्च करें आपका बढ़ेगा अच्छा एक और सवाल कर लेता हूँ जिससे आपको और दो चार वाला जवाब मिल जाएगा जो बंदा पूरी जक़ात देता है हलाल कमाता है और पूरी जकवात देता है उससे आप पूछ लें हर साल वो जकवात ज़्यादा देता है बढ़ती है बढ़ती है उसकी जकत तो जकत बढ़ने का मतलब माल भी बढ़ रहा है ना जकत से तो पैसे कम होने चाहिए थे हाँ। तो भाई मेरे लाख रुपए थे ढाई हजार चले गए एक करोड़ थे ढाई लाख चले गए साढ़े सतानवे सा लाख रह गए अगले साल वो ढाई लाख से ज्यादा जकत देगा कैसे देगा इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर मुखल करने वाले समझते हैं महंगाई की वजह से जकत बढ़ रही है ऐसा है नहीं नहीं पैसे ही बढ़ रहे हैं हजरत इतने बढ़ रहे हैं कि जो जमाशाला मैं कल एक जगह बैठा था उस कमाल की बात कहते हैं कभी कभी कारोबारी बंदा भी सिखा देता है मैं मजे को मजा आ गया उसने कहा यार जक़ात तो फर्ज है जकात के हमने क्या काम किया असल तो, तो ये कि राह खुदा में हमने उसके बाद क्या खर्च किया और वो कहता है जो लोग नहीं खर्च कर रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं उसने कमाल की बात की क्या उनको पता ही नहीं है वो कितना बड़ा नफे में नुकसान कर रहे हैं हमारा तो कारोबार ही इतना बढ़ गया हमें समझ नहीं आ रही वो अल्लाह की में बहुत खर्च करते हैं मैं उनसे मिला बहुत खर्च करते हैं माशा मैं मुलाकात के मैंने नीयत की हर महीने एक मस्जिद बनाऊंगा अच्छा हर महीने एक मस्जिद बनाऊंगा वो वो मुझे बड़ा प्यारे बात होने के बोला जो जो नहीं दे रहे ना जकवात बोले मुझे पैगाम दीजिएगा उनको कि जो जक़ात नहीं देते अल्लाह की राम में खर्च नहीं करते ना वो अप, उनको पता ही नहीं वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं उनका कारोबार उनके मालो दौलत में कितनी बरकत आने वाली है उनकी सोच है, है। ये वो तमाम चीज़ें जो पता चल रही है कि जो खर्च कर रहा है और यकीन करें अशफाक भाई दुआ करें आप भी करें मैं अपने लिए भी करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको अल्लाह की राम में खर्च करने का मजा दे दे इसको ये चाहत लग गई है ना जिसको हाँ। ये सखावत का लुत्फ आ गया ना आप बिलीव करें उसका मजा ही और है बंदा खर्च भी किया जा, जा रहा है एंजॉय भी किया जा रहा है और फिर उसका जो मजा है ना वाकई अल्लाह की राह में कोई भी काम चाहे वो इबादत हो चाहे वो सखावत हो जब वो दिल से किया जाता है ना उसकी मल्टीप्लिकेशन ही और है उसका सवाब भी और है उसका रिटर्न भी और है बल्कि सच्ची बात तो ये अशफाक भाई ये तो रब की रबानी इधर हमें डबल करके मल्टीप्लाई करके दे देता है बटा ना भी दे तो माल तो उसी का था उसी का था उसी ने दिया था अगर थोड़ा बहुत दे दिया उसकी राह में तो क्या क्या कमाल